नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टेक बैलेंस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके पास जो भी चार्जर हो लैपटॉप का, ये मेरे पास डेल का लैपटॉप का चार्जर है। इसका आउटपुट कैसे चेक करें, जैसे मतलब ये कितना आउटपुट दे रहा है। वैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा भी, आपको इधर साइड में फ़ोटो भी आ रहा होगा, आप फ़ोटो में देख सकते हैं इस चार्जर का कितना वोल्टेज है। और यदि आपको मैन्युअली चेक करना हो कि इस चार्जर में कितना वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, तो सबसे पहले इसका पावर कनेक्टर लगा लेते हैं। ये ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी कलर की लाइट आ रही होगी, ठीक है। और ये जो पिन है ये हम लैपटॉप में लगाते हैं तो हमारा लैपटॉप चार्ज होने लगता है। ये मेरे पास डेल लैपटॉप का चार्जर है। आइए मैं इसका आउटपुट मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना आउटपुट आ रहा है, हमारे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए रहता है। ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, ठीक है, आइए इसे मैं चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों पिन लेना है, ब्लैक वाला हिस्सा बाहर पे लगाना है, आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल तो 0-0 है, ठीक है। और जो रेड वाला वायर है इस पिन के अंदर लगाना है आपको, अंदर साइड में ऐसे, ठीक है। ब्लैक वाला बाहर, रेड वाला अंदर इसके लगाना है इस तरीके से। दोस्तों ध्यान रहे कि दोनों आपस में टच ना हो, नहीं तो स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सावधानी पूर्वक करें इस तरीके से। मैं इसे जैसे ही अंदर डालूँगा आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा कि ये चार्जर आउटपुट कितना दे रहा है, ठीक है आप देखिएगा। ये देख सकते हैं आप 19.70 वोल्टेज दे रहा है, 71 हो गया अभी। जी हाँ दोस्तों, हमारे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए रहता है। इस तरीके से आप अपना आउटपुट लैपटॉप के चार्जर का चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी जगह यदि आपका यहाँ पे लाइट आ रही है, कभी भी क्या होता है यहाँ से हमारी पिन डैमेज हो जाती है और वोल्टेज इसके आगे नहीं पहुंच पाता है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, यहाँ तक वोल्टेज पहुंचता है लेकिन इसके आगे वोल्टेज नहीं पहुंचता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पे से आपको तीन वायर मिलेगी, उनमें से तीनों में से एक एक वायर करके चेक कर लो किसका वोल्टेज 19 के आसपास आ रहा है। जो भी वोल्टेज 19 के आसपास आ रहा है उन दो वायर को, इधर पिन ख़राब है तो आपको पिन दूसरा लेना होगा, मार्केट में कनेक्टर मिल जाता है, उस कनेक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके जो कलर कोड है, रेड वाली वायर रेड पे जॉइंट होगी, अगर अंदर ब्लू वायर है तो ब्लू पे जॉइंट करना, अगर अंदर वाइट वायर है तो वाइट पे जॉइंट करना। दोस्तों ये रिस्की काम है, यदि आप नए हो तो मत करना, यदि आपको एक्सपीरियंस हो तो आप ऐसा कर सकते हो। यदि आप नए हो, अगर वोल्टेज मैच नहीं किया या फिर वोल्टेज आपने उल्टा कर दिया तो लैपटॉप बर्न हो सकता है उल्टा वोल्टेज जाने की वजह से, प्लस की जगह पे माइनस जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस जाएगा तो आपका लैपटॉप शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों इस तरह का रिस्क मत लेना, हाँ बट आप अपने लैपटॉप का चार्जर का आउटपुट जरूर चेक कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। दोस्तों धन्यवाद, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।